राजनीतिक बाहुबलियों के सामने इतनी बेबस क्यों हो जाती है सरकारें? हमारी महिला ओलंपियंस जंतर मंतर पर लगातार तीसरी रात प्रदर्शन कर रही हैं। आरोप है बृजभूषण शरण सिंह पर, मगर मजाल है कि मोदी सरकार कोई एक्शन ले ले। सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है, वो दिल्ली पुलिस से कह रही कि FIR दर्ज करो क्योंकि मामला गंभीर है, मगर एक राजनीतिक बाहुबली के सामने पूरी तरह से मोदी सरकार बेबस है। अजय मिश्रा टेनी का बेटा मोनू मिश्रा, इस पर आरोप क्या लगता है? लखीमपुर खीरी में यह हमारे किसानों को रौंद कर निकल जाता है, आरोप यह था। अब तक अजय मिश्रा टेनी जो है वो सरकार में बना हुआ है, क्यों? मैं जानना चाहता हूं क्यों। आखिर राजनीतिक बाहुबलियों के सामने क्यों बेबस हो जाती हैं सरकारें? और तीसरी और सबसे अहम मिसाल जिस पर आज का यह शो आधारित है, आनंद मोहन सिंह रिहा होने वाले हैं, और जानते हैं क्यों? क्योंकि नीतीश सरकार ने प्रिजन मैनुअल 2012 में एक तब्दीली ला दी है जिसके चलते आनंद मोहन सिंह वक्त से पहले रिहा हो जाएंगे। और इन पर आरोप क्या था? 1994 में इनके द्वारा संचालित 5000 की भीड़ ने जी कृष्णैया नाम के IAS ऑफिसर को मौत के घाट उतार दिया था। आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे आनंद मोहन सिंह, मगर एक बार फिर एक राजनीतिक बाहुबली के सामने बेबस हो जाती है, नतमस्तक हो जाती है सरकारें। इसे आप लोकतंत्र कहते हैं? जी नहीं, यह छद्म लोकतंत्र है, यह मजाक है लोकतंत्र के नाम पर। यहां पर सिर्फ बाहुबल और ताकत काम आती है और उसके अलावा कुछ नहीं। ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद है तेरे। नमस्कार, बोल इलाहाबाद आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। इस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, यह व्यक्ति जो पूरे शाही अंदाज में, पूरी तड़ी में चल रहा है, इनका नाम है आनंद मोहन सिंह, राजनीतिक बाहुबली आनंद मोहन सिंह, जो कल यानी बृहस्पतिवार को वक्त से पहले एक बहुत ही खतरनाक गुनाह के लिए रिहा होने वाले हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं इन पर क्या गुनाह साबित हुआ था। घटना थी 1994 की। आनंद मोहन सिंह द्वारा संचालित 5000 की भीड़ ने जी कृष्णैया नाम के 36 साल के एक दलित IAS ऑफिसर को मौत के घाट उतार दिया था दोस्तों। और आप जानते हैं, आपके स्क्रीन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने जेल के मैनुअल, उसमें संशोधन लाके, उसमें बदलाव लाकर वक्त से पहले आनंद मोहन सिंह की रिहाई का रास्ता साफ कर दिया है। मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूं आपके स्क्रीन पर दोस्तों। जेल मैनुअल 2012 में साफ लिखा हुआ था कि जिस भी व्यक्ति पर किसी सरकारी अधिकारी की हत्या का गुनाह हो, उसे वक्त से पहले रिहा नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार ने 10 अप्रैल को 2012 के जेल मैनुअल के इस प्रावधान को ही हटा दिया, बदल दिया। क्यों? ताकि आनंद मोहन सिंह रिहा हो सके। कौन आनंद मोहन सिंह? एक राजनीतिक बाहुबली, उनकी पत्नी लवली आनंद एक सांसद भी रह चुकी हैं, राजपूत समुदाय के एक बहुत ही प्रभावशाली नेता, मगर इनका इतिहास आपराधिक रहा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, जी कृष्णैया के साथ उन्होंने क्या किया है, क्योंकि अब जब मैं आपको घटना बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि नीतीश कुमार सरकार ने जो किया है ना, वो अपराध से कम नहीं है। 1994 की घटना दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, 1994 में बिहार पीपल्स पार्टी के सदस्य छोटन शुक्ला, जो एक गैंगस्टर भी थे, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। आनंद मोहन सिंह अपने 5000 समर्थकों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे, तभी गाड़ी नंबर BHQ777 में सवार होकर जी कृष्णैया जा रहे होते हैं। उनके बॉडीगार्ड को भीड़ बाहर निकाल लेती है गाड़ी से और बेरहमी से मारना शुरू कर देती है। तभी उनकी जो गाड़ी का ड्राइवर है दीपक कुमार, जो 50 साल का हो गया है, वो क्या करता है, गाड़ी को तेजी से पीछे ले जाता है ताकि जी कृष्णैया साहब को बचाया जा सके। मगर जी कृष्णैया क्या कहते हैं कि मैं अपने बॉडीगार्ड को मरने नहीं छोड़ सकता,
वो कहते हैं कि मुझे गाड़ी से उतरने दो, मुझे 5,000 की क्रुद्ध भीड़ से बात करने दो, मैं उनसे बात करता हूं, अपने बॉडीगार्ड को बचाता हूं और फिर हम इसे लेकर चलते हैं। जी कृष्णय्या साहब गाड़ी से उतर जाते हैं, मगर भीड़ उन्हें मौत के घाट उतार देता है। जब उनकी लाश मिलती है तो उनके सिर को बुरी तरह से कुचला जा चुका होता है, उनकी पूरी शरीर पर बुलेट मार्क्स होते हैं, यानी कि बुरी तरह से गोलियों से उन्हें छेद दिया गया होता है। इतनी बेरहमी से उन्हें मारा गया था दोस्तों। और इस भीड़ को संचालित कर रहा था यह शख्स, राजनीतिक बाहुबली आनंद मोहन सिंह। वक्त से पहले इस शख्स की रिहाई हो रही है, वक्त से पहले हो रही है दोस्तों। जी हां, क्यों? क्योंकि आनंद मोहन सिंह जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी को फायदा पहुंचा सकता है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, आनंद मोहन सिंह के बेटे हैं चेतन आनंद, जो कि आरजेडी के विधायक हैं, यानी कि यह पूरा परिवार महागठबंधन के साथ जुड़ा हुआ है। राजनीतिक परिवार भी है, और जैसा मैंने आपको बताया कि आनंद मोहन सिंह की एक पहचान आपराधिक भी है, उनका एक लंबा चौड़ा अपराध का इतिहास रहा है। नीतीश कुमार ने इतना बड़ा गुनाह किया। बहरहाल, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, मगर वो बुरी तरह से कंफ्यूज्ड है, बुरी तरह से असमंजस में है कि उसकी तारीफ की जाए या उसकी आलोचना की जाए। मसलन सुशील मोदी ने इसकी आलोचना की है। सुशील मोदी क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर, आनंद मोहन बहाना, सरकार माई समीकरण के दुर्दांत अपराधियों पर मेहरबान, जघन्य मामलों में सजा याफ्ता बंदियों की रिहाई असंवैधानिक, मुख्यमंत्री बताएं जेल मैनुअल को शिथिल करने का आधार। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा, राज्य सरकार ने पूर्व सांसद आनंद मोहन के बहाने अन्य 26 ऐसे दुर्दांत अपराधियों को भी रिहा करने का फैसला किया है, जो MY समीकरण में फिट बैठते हैं और जिनके बाहुबल का दुरुपयोग चुनावों में किया जा सकता है। सुशील मोदी ने कहा, गंभीर मामलों में दोष सिद्ध अपराधियों की रिहाई का फैसला असंवैधानिक और अनावश्यक है। आपने गौर किया होगा दोस्तों कि सुशील मोदी ने इस पर जो प्रतिक्रिया दी है उसमें मुस्लिम यादव समीकरण को भी घेरने की कोशिश की है, जो कि आरजेडी का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है। यानी कि यहां पर भी सीधी आलोचना नहीं की, जानबूझकर उसमें मुस्लिम यादव को घसीट लिया। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं माननीय गिरिराज सिंह का बयान। गिरिराज सिंह तो आनंद मोहन सिंह को बेचारा मानते हैं, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मेरे ख्याल से आनंद मोहन जी की रिहाई, वो बेचारे तो बलि के बकरा हैं, वो तो इतनी सजा हो गए हैं, उनकी रिहाई पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इतने बेचारे थे आनंद मोहन सिंह कि 1994 में एक गैंगस्टर की मौत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, 5,000 भीड़ को संचालित कर रहे थे, वो 5,000 भीड़ जो खून की प्यासी थी, वो 5,000 की भीड़ जिसने जी कृष्णय्या को मौत के घाट उतार दिया, 36 साल का एक दलित ऑफिसर। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की खबर देखिए, उनकी बीवी उमा की तस्वीर है यहां पर, और उमा जी इस फैसले की आलोचना कर रही हैं। उनका यह कहना है कि इस फैसले से अपराधियों के हौसले और बुलंद होंगे। मैं समझना चाहता हूं कि अपराधियों के हौसले नीतीश कुमार सरकार में इतने बुलंद क्यों हैं? आप तो अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं, तो फिर यह कदम क्यों उठाया गया है? बताइए, क्यों उठाया गया है यह कदम? आज मैं इस देश के विपक्ष से एक सवाल पूछना चाहता हूं, खासकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से। मैं नहीं भूला हूं जब बिल्किस बानो के 11 गुनहगारों को रिहा किया गया था, मैं नहीं भूला हूं, तब विपक्ष ने इसकी आलोचना की थी, सबने कहा था यह फैसला गलत है। मैंने कई कार्यक्रम किए थे जब मैंने बिल्किस बानो की आवाज को आप तक पहुंचाया था। ये मत भूलिए कि बिल्किस बानो का एक गुनहगार शैलेश भट्ट, उसका तो सम्मान भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद और विधायक ने मंच पर बैठकर किया था, यह तस्वीर याद है आपको। इन तमाम तस्वीरों की मैंने आलोचना की थी दोस्तों।
क्योंकि बिल्किस बानो के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई थी। वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आनंद मोहन को इस तरह से रिहा कर दिया जाता है? आप जानते हैं आनंद मोहन सिंह को जब सजा सुनाई थी पटना हाई कोर्ट ने तो मौत की सजा सुनाई थी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको बदल दिया था आजीवन कारावास में। मगर यह हत्याकांड कितना नृशंस था, एक ब्यूरोक्रेट को, एक आईएएस ऑफिसर को इस तरह से मौत के घाट उतार दिया गया। बहरहाल आईएएस एसोसिएशन ने नीतीश कुमार सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। क्या कह रहे हैं दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। द सेंट्रल आईएएस एसोसिएशन एक्सप्रेसेस इट्स डीप डिसमे एट द डिसीजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार टू रिलीज द कॉन्विक्ट्स ऑफ द ब्रूटल किलिंग ऑफ लेट श्री जी कृष्णैया आईएएस, फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ गोपालगंज, बाय अ चेंज इन क्लासिफिकेशन रूल्स ऑफ प्रिजनर्स। वो कह रहे हैं कि फैसला गलत है, आपने प्रिजन मैनुअल यानी जेल मैनुअल में परिवर्तन लाकर एक बहुत ही खतरनाक अपराधी को रिहा किया है, इस तरह से आलोचना की जा रही है। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि आईएएस एसोसिएशन ने अन्य मामलों में भी हौसला दिखाया होता, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कटघरे में होती हैं या जब उनका गुनाह साबित होता है, जिस तरह से इस वक्त नीतीश कुमार सरकार जो है वो कटघरे में है। यह अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं दोस्तों। देखिए किस तरह से ममता बनर्जी के साथ नीतीश कुमार मिल रहे हैं। अब यहां देखिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ वो मिले, अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, अरविंद केजरीवाल के साथ मिले। नीतीश कुमार आजकल विपक्ष को जोड़ने की यात्रा पर है, यानी कि कहीं ना कहीं उनके मन में एक लड्डू है देश का अगला प्रधानमंत्री बनने का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप खुद को सुशासन बाबू कहते रहे हैं, अब बेशक आप यह कहें कि मैं पीएम नहीं बनना चाहता, अब आप विपक्ष को एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर आप अपने राज्य में क्या कर रहे हैं? आप अपने राज्य में एक आईएएस ऑफिसर 36 साल के जी कृष्णैया के गुनहगार को वक्त से पहले रिहा कर रहे हैं। ऐसा क्यों? मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देगी। हालांकि मैं नहीं जानता हूं किस तरह से दखल देगी, क्योंकि प्रिजन मैनुअल 2012 बिहार प्रिजन मैनुअल 2012 में नीतीश कुमार की सरकार ने तब्दीलियां लाई और उन्होंने वो प्रावधान हटा दिया कि अगर आप पर एक सरकारी अधिकारी की हत्या का गुनाह साबित हो चुका हो तब आपकी रिहाई नहीं होगी। अब उसी क्लॉज को हटा दिया गया। मैं नहीं जानता हूं सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, मगर ये जो हरकत हुई है ना दोस्तों, इसमें नाइंसाफी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल इसी तरह की नाइंसाफी बिल्किस बानो के साथ हुई थी, इसी तरह की नाइंसाफी कई अन्य लोगों के साथ हुई थी, जेसिका लाल के साथ हुई थी, नीतीश कटारा के साथ हुई थी, मगर फिर जनता मैदान में आई, चाहे मोमबत्तियों के साथ ही सही, चाहे सांकेतिक मोमबत्तियों के साथ ही सही, जेसिका लाल और नीतीश कटारा के लिए वो लोग मैदान में उतरे थे और फिर अदालत ने उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई थी। उन मामलों की तुलना आनंद मोहन सिंह के साथ नहीं की जा सकती, मगर एक नाइंसाफी तो हुई है ना। जी कृष्णैया चाहते तो अपने जान बचा सकते थे। आप जानते हैं ये उनका ड्राइवर 50 साल का हो गया है, तस्वीर मैं आपको दिखा चुका हूं। दीपक कुमार आज क्या कहते हैं कि काश मैंने साहब की बात ना सुनी होती, काश जब मैं अपनी गाड़ी को रिवर्स कर रहा था मैं उसे भगाकर ले गया होता, कम से कम जी कृष्णैया तो बच जाते। मगर कृष्णैया साहब को अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी दोस्तों, बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। आज वो जिंदा होते तो रिटायर हो गए होते, क्योंकि आज से 30 साल पहले हुआ था दोस्तों, तब वो 36 साल के थे, आज वो 66 साल के होते, रिटायर हो गए होते, अपने परपोतों के साथ या बच्चों के साथ जिंदगी बिता रहे होते। मैं नहीं जानता हूं कि इस वक्त उनकी पत्नी उमा क्या कर रही हैं, मगर यकीनन आज से 30 साल पहले 1994 में जिस तरह से उन्हें मौत के घाट उतारा गया होगा, वो काली यादें अब भी उनको कचोट रही होंगी।
और जो नीतीश कुमार सरकार ने किया है ना दोस्तों, वो एक करारा तमाशा है इस सभ्य समाज के मुंह पर। वो ये साबित कर रहा है कि जब आपके पास ताकत हो, उस ताकत की धौंस में आप न्याय को इसी तरह से रौंदते जाएंगे। कोई फर्क नहीं है इनमें और उनमें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।